मैंने ये क्या किया है, सारे परवल को मैंने छील लिया है अच्छे से, इसे वॉश कर लिया है और इसके अंदर का जो भी बीज था इसे मैंने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, खौलता तेल में इसे डाल देना है, इसे उलटते पुलटते हमें सेक लेना है। देखिए उलटाते पुलटाते अच्छा से सब सिका गया है। अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और पतले पतले स्लाइस में मैंने राउंड शेप में प्याज का लच्छा काट लिया है, इसे ऐड करेंगे। अब इसमें नींबू भरा उसको अच्छे से निचोड़ के इसमें डाल देंगे। अपना जितना भी गुस्सा है इस नींबू पे निकाल दीजिए, इसे अच्छे से निचोड़ दीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने नींबू कैसे कैसे निचोड़ दिया है। अब इसको भी निचोड़ निचोड़ के इस तरह हमें मैश करना है अच्छे से। देखिए मैंने इसे अच्छे से निचोड़ निचोड़ के मिला लिया है। अब इसमें एक चीज और ऐड करना है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे हम नहीं निचोड़ेंगे वरना ये हरी मिर्च हमें निचोड़ निचोड़ कर रुलाएगा। इसे बस इसमें ऐड करके इसे चम्मच से हम मिला लेंगे। चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। फ्राई पटल चोखा या भरता भी बोल सकते हैं इसे परवल का। अधिकतर लोग इसे गैस पर या चूल्हे पर सेक करके बनाते हैं, बट मैंने आज इसे फ्राई करके बनाया है अलग ही स्टाइल में। तो आप लोग को ये कैसा लगा एक बार जरूर ट्राई करके बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल माई वीडियो।